चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की आज के सभी ताजा बड़ी महत्वपूर्ण सिलेक्टेड और काम की खबरों को। बता दें कि अभी भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े ऐलान बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। साथ ही यूपी के सभी 75 जिलों की आज के महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई अन्य खबरें देखने की जरूरत नहीं होगी, तो वीडियो को लाइक करके खबर को एकदम आखिर तक जरूर देख लें और कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखें। दार्जिलिंग में हुई बड़ी ट्रेन घटना, सीएम योगी ने जताया दुख, अब तक 15 लोग चल बसे। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में हुई ट्रेन घटना को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवेदना व्यक्त की है। वहीं आपको बता दें कि इतनी बड़ी ट्रेन घटना कैसे हो गई, इसको लेकर रेलवे अधिकारियों ने कहा कि यह प्रथम दृष्टया मानवीय भूल प्रतीत होती है। उन्होंने कहा कि मालगाड़ी के चालक ने सिग्नल की अनदेखी की, उनको रुकने का सिग्नल दिया गया था लेकिन उन्होंने गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। प्रारंभिक आधार पर यही वजह लग रही है। दरअसल आपको बता दें कि अगरतला से सियालदह जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन को एक मालगाड़ी ने न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से करीब 30 किलोमीटर दूर टक्कर मार दी। यूपी के किसानों के खाते में आएंगे 2,000 रुपए। आज प्रधानमंत्री मोदी काशी से जारी करेंगे 20,000 करोड़। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर आ रहे हैं। वह काशी की जनता का आभार जताएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में प्रधानमंत्री की अगवानी करेंगे। प्रधानमंत्री सेवापुरी विधानसभा स्थित मेहदीगंज में किसान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती शामिल होंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की लगभग 20,000 करोड़ की 17वीं किस्त जारी करेंगे और स्वयं सहायता समूहों की 30,000 से अधिक महिलाओं को सर्टिफिकेट भी देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने किसान सम्मेलन में 50,000 किसानों की भागीदारी का लक्ष्य रखा है। वैसे आपको सम्मान निधि के तहत 2,000 रुपए मिलते हैं या नहीं, कमेंट जरूर करें। राहुल गांधी ने वायनाड छोड़ा, रायबरेली को अपनाया, उत्तर भारत को दिया बड़ा संदेश। जी हां, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस में रायबरेली और वायनाड सीट छोड़ने को लेकर चल रही उलझन अब खत्म हो गई है। राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़ने का फैसला किया है। इसके साथ राहुल ने रायबरेली के अपने रिश्ते को निभा दिया। वह संसद में रायबरेली की नुमाइंदगी करेंगे। राहुल के इस फैसले ने पूरे उत्तर भारत के लिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में पार्टी को खड़ा करने में आसानी होगी। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने वायनाड और रायबरेली दोनों से चुनाव लड़ा था और दोनों जगहों पर जीत दर्ज की थी। यानी आज उन्हें फैसला लेना था कि वह वायनाड से रहेंगे या फिर रायबरेली से रहेंगे, तो उन्होंने बड़ा फैसला लेते हुए केंद्र की राजनीति में बड़ा कदम रख दिया है। क्योंकि केंद्र की राजनीति का सबसे बड़ा रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी के मन में पीएम बनना है। क्या पीएम बन पाएंगे, कमेंट जरूर करें। यूपी के युवाओं के क्रिएटिव स्किल को निखारेगी सरकार। 30 जून तक छात्रों को सिखाया जा रहा विभिन्न कलाओं का कौशल, लखनऊ समेत कई जनपदों में चल रही कार्यशाला। दरअसल आपको बता दें कि गर्मियों के छुट्टियों में उत्तर प्रदेश के युवा अपने क्रिएटिव स्किल को निखार रहे हैं। राज्य ललित कला अकादमी की तरफ से राजधानी लखनऊ समेत कई जनपदों में ग्रीष्मकालीन कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 10 से 17 और 18 से 25 वर्ष के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गर्मियों में 12 जिलों में प्रारंभ हुआ था। में से कई जिलों में प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है, जबकि कई अन्य जिलों में 30 जून तक ग्रीष्मकालीन शिविर चलेगा। यूपी बाढ़ प्रभावित 29 अति संवेदनशील जिलों पर सरकार की नजर। प्रदेश में 20 से 25 जून के बीच मानसून आने की संभावना। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की फोर्स हुई तैनात। दरअसल आपको बताने की भीषण गर्मी और लू से परेशान प्रदेशवासियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश में 20 से 25 जून के बीच मानसून आने की संभावना है। ऐसे में योगी सरकार मानसून को लेकर अलर्ट हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक कर मानसून की सक्रियता के बाद बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए अधिकारियों को खाका तैयार करने का आदेश दिया था, ताकि प्रदेशवासियों और उनके मवेशियों को समय रहते सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके, जिसमें कि 29 जिलों को अति संवेदनशील घोषित किया गया था। अब योगी सरकार ने फिर बड़ी बैठक की और इन सभी जिलों में एनडीआरएफ एसडीआरएफ की फोर्स को पहले से रेडी करने का निर्देश दिया है। यूपी के बरेली में बकरीद पर नई परंपरा डालने की कोशिश, भैंस की कुर्बानी पर हंगामा, थाना घेरा। दरअसल आपको बता दें कि बरेली जिले के सीबीगंज के गांव जोगीठेर में ईद पर कुर्बानी की नई परंपरा डालने को लेकर हंगामा हो गया। ईद पर लोगों ने धर्मस्थल के सामने वाले घर में भैंस की कुर्बानी कर दी। इस पर वहां दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा कर शांत किया। दरअसल आपको बता दें कि एक व्यक्ति इसरार है, जिसके घर के सामने शिव मंदिर भी है और कुछ लोगों ने उसे घर में कुर्बानी करते हुए देख लिया। किसी ने इसका वीडियो बनाकर भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोग मंदिर के पास एकत्र हो गए और विरोध शुरू कर दिया।
यूपी में अब यहां जनता को बिजली कटौती की जानकारी देंगे नेता, यूपी सरकार ने जारी किया फरमान। जी हां, आपको बता दें कि भीषण गर्मी के बावजूद बिजली विभाग गाजियाबाद में उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति करने में नाकाम रहा है। इसके साथ ही शटडाउन की सूचना भी सभी लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहा। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देश दिए हैं कि शटडाउन की जानकारी जन प्रतिनिधियों को समय से पहले दी जाए ताकि उनके माध्यम से लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। दरअसल विद्युत निगम की ओर से शटडाउन की जानकारी उपभोक्ताओं के पंजीकृत नंबर पर मैसेज के जरिए भेजने का प्रावधान है, लेकिन डेटा अपडेट न होने कारण चंद उपभोक्ताओं के पास ही मैसेज जा पाता है। यूपी के इस जिले में 400 मकानों पर चलेगा बुलडोजर, घर के मालिकों से ही वसूला जाएगा तोड़ने का खर्च। दरअसल आपको बताने की सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे भवन स्वामियों के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अब सख्त रुख अपनाने का निर्णय लिया है। नोटिस जारी करने के बावजूद जिन भवन स्वामियों ने मकानों के अवैध हिस्सों को नहीं ढहाया है, अब उसे पीडीए ढहाएगा। दोस्तीकरण में जो खर्च लगेगा उसको भी भवन स्वामी से ही वसूला जाएगा। महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए पीडीए की ओर से शहर में 40 सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। नैनी, झूसी, रसूलाबाद, सादियाबाद, कोठापारचा, शिवकुटी, सलोरी आदि क्षेत्रों के सड़कों का चौड़ीकरण किया जाना है। यूपी के बरेली में एनसीईआरटी पर भड़के जमात के अध्यक्ष मौलाना रजवी बोले, बारहवीं किताब से बाबरी मस्जिद और गुजरात के चैप्टर हटाना गलत। दरअसल आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती साहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने एनसीईआरटी पर जमकर भड़का। एनसीईआरटी की बारहवीं क्लास की किताब में बाबरी मस्जिद और गुजरात के चैप्टर को हटाए जाने पर बरेलवी ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा, इससे पहले मुगल बादशाहों के इतिहास को भी किताब के पन्नों से हटा दिया गया, वहीं इस्लाम के उदय के चैप्टर को भी हटा दिया गया। इस तरह से इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना और ऐतिहासिक बातों को किताब से हटाना बहुत ही अफसोसजनक बात है। दरअसल आपको बता दें कि एनसीईआरटी ने किताबों से काफी चीजें हटा दी हैं, जिनमें कि गुजरात के चैप्टर और बाबरी मस्जिद का चैप्टर है। वैसे दोस्तों, इसे हटा भी देना चाहिए, आने वाली पीढ़ी में ये विष नहीं खुलना चाहिए। आप इस बात से सहमत या नहीं कमेंट जरूर करें। सीएम योगी के निर्देश पर पोल्ट्री उद्योग को मिलेगा बढ़ावा। खुर्जा के पोल्ट्री उत्पादों की पूरी दुनिया में भारी डिमांड, 25,000 लोगों के रोजगार का जरिया है पोल्ट्री उद्योग। जी हां, आपको बता दें कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP के जरिए प्रदेश के जिलों की पारंपरिक पहचान को बड़े उद्योग के रूप में डेवलप करने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर खुर्जा के सिरेमिक और पोल्ट्री उद्योग को बड़ा फलक देने की तैयारी है। खुर्जा महायोजना 2031 के अंतर्गत सिरेमिक हार्ट विकसित किया जाएगा, जिसके बाद इस उद्योग से जुड़े 400 यूनिट को बड़ा लाभ मिलना तय है। बुलंदशहर के खुर्जा शहर की पहचान ODOP योजना आने के बाद से वैश्विक फलक पर छाने लगी है। यही वजह है कि प्रदेश सिरेमिक और पोल्ट्री उद्योग के जरिए करीब $23 मिलियन का निर्यात कर रहा है। यूपी के बलिया में पीएम सीएम पर अभद्र टिप्पणी, गिरफ्तार। वीडियो में बोल रहा, हमारे जैसे 50 लड़के होते तो योगी को मरवा देता, हमको डर नहीं लगता। जी हां, आपको बता दें कि बलिया में प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। युवक का एक वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने बताया कि वीडियो 4 माह पहले का है। जांच कर युवक पर कार्रवाई की जा रही है। आरोपी की पहचान बलिया शहर के राजेंद्र नगर निवासी अकबर अली के रूप में हुई है। वीडियो में युवक बोल रहा है, मुझे किसी का डर नहीं है, मेरे पास मेरे जैसे 50 लड़के होते तो योगी को मरवा देता। उसके बाद पीएम मोदी के बारे में भी अभद्र टिप्पणी की। युवक ने आगे भोजपुरी में कहा, योगी जी से कह दिया हमरा डर नहीं खे लागल बा, वीडियो बना के वायरल कर दिया। अधिक अहमद कांड पर बोला, अपराधी वो नहीं योगी है। यूपी में ईवीएम पर वायरल पोस्ट के बाद निर्वाचन ने कराई FIR। पीएम ईवीएम की फोटो पर लिखा था, वाराणसी में चमत्कार, पटेल सहायक ने दी तहरीर। जी हां, आपको बता दें कि वाराणसी लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट के बाद जिला निर्वाचन कार्यालय ने केस दर्ज कराया है। पीएम और ईवीएम का फोटो लगाकर भ्रामक टिप्पणी करने वाले अज्ञात सोशल मीडिया अकाउंट संचालक को आरोपी बनाया गया है। ईवीएम पटेल सहायक प्रदीप कुमार पाल की तहरीर पर पुलिस ने पोस्ट डिलीट करने की रिक्वेस्ट फेसबुक को भेजी है। वहीं साइबर टीम मामले की जांच कर आरोपी की तलाश में जुटी है। दरअसल आपको बताने की यूजर ने नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में किया एक बड़ा चमत्कार शीर्षक से ईवीएम मशीन पर कई सवाल उठाए। इसके अलावा कई निराधार आरोप लगाए थे। उत्तर प्रदेश में भटनी वाराणसी पैसेंजर ट्रेन की बोगी से धुआं निकलते देख यात्रियों में मची भगदड़, खिड़कियों से कूद कर भागे। जी हां, आपको बता दें कि भटनी से वाराणसी सिटी जाने वाली 01747 पैसेंजर ट्रेन में सवार यात्रियों में उस समय अफरा तफरी मच गई, जब ट्रेन के पीछे की तीसरी बोगी के नीचे से धुआं निकलते देख यात्रियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। ट्रेन के रुकते ही बोगी से कूद कर यात्री इधर उधर भागने लगे। अराजक तत्वों द्वारा किए गए चेन पुलिंग के कारण यह घटना हुई। इससे ट्रेन करीब 15 मिनट तक कटिया ताल में खड़ी रही।
अखिलेश और मायावती फिर दिखेंगे साथ। 2027 के चुनाव को लेकर अफजल अंसारी ने कर दिया बड़ा दावा। जी हां, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव पर राजनीतिक दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि इससे पहले अभी उपचुनाव होने हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने समीकरण बनाने शुरू कर दिए हैं। इसी बीच गाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद अफजल अंसारी ने एक बड़ा दावा भी कर दिया। अफजल के इस दावे से यूपी की सियासत में एक बार फिर चर्चाएं तेज हो गई हैं। दरअसल अफजल ने दावा किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सपा और बसपा एक बार फिर साथ नजर आ सकते हैं। यानी 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद अलग हुए अखिलेश यादव और मायावती फिर साथ दिखेंगे। हालांकि इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यूपी भाजपा अध्यक्ष की कुर्सी जाना तय। संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी में पार्टी। महामंत्री धर्मपाल सिंह पर भी लटक रही तलवार। जी हां, आपको बताने की राजनीति में कहावत है, दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, लेकिन इस बार यह रास्ता बिहार और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरा। नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू के साथ ही की बदौलत एनडीए सरकार बना पाए। उत्तर प्रदेश जहां भाजपा का बड़ा जनाधार था, वहां इस चुनाव में उसे 29 सीटों का नुकसान हुआ। इससे सीएम योगी की लोकप्रियता को भी बड़ा धक्का लग गया। आपको बताने की लगातार प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव की खबरें आ रही हैं। अब जो प्रदेश के उप महामंत्री हैं और महामंत्री हैं, इसके अलावा प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन सभी को हटा दिया जाएगा। यह बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र पटेल को हटाने की बड़ी संभावना जताई जा रही है। कानपुर के लोगों के लिए खुशखबरी, इस सरकारी स्कीम में खाली है 241 फ्लैट, नहीं बढ़ाए जाएंगे दाम। दरअसल आपको बता दें कि शहरवासियों के लिए खुशखबरी है, केडीए की तरह आवास विकास परिषद भी अपने फ्लैटों के दाम इस वित्तीय वर्ष में नहीं बढ़ाएगा। गंगा एन्क्लेव और ब्रह्मावर्त योजना में 241 फ्लैट बचे हैं। पहले आओ और पहले पाओ स्कीम के तहत परिषद फ्लैट बेच रहा है। केशवपुरम, अंबेडकर नगर योजना और हंसपुरम योजना में परिषद की 75 संपत्तियां बची हैं। इसमें सिर्फ 16 आवासीय हैं जिनके दाम बढ़ने हैं। हालांकि अभी शासन से कोई आदेश परिषद के अफसरों के पास नहीं आया है। कहीं कमाई का जरिया न बन जाए, प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। जी हां, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर एक बार फिर भाजपा सरकार को घेरा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में अखिलेश यादव ने कहा, इस बात की गारंटी कौन लेगा कि अगली बार परीक्षा आयोजित किए जाने पर ऐसा कुछ भी घपला घोटाला नहीं होगा। जब सरकार वही है और उसकी व्यवस्था भी वही है, तो ये सब धांधलियां कहीं फिर से सरकार संरक्षित परीक्षा माफियाओं के लिए पैसा कमाने का जरिया बन जाए। अखिलेश ने कहा, अगर पुलिस भर्ती, एआरओ, नीट जैसी धांधली के शिकार अन्य परीक्षाएं रद्द होकर दोबारा होती भी हैं, तो इस बात की गारंटी कौन लेगा कि अगली बार परीक्षा आयोजित किए जाने पर ऐसा कुछ भी घपला घोटाला नहीं होगा। यूपी में अमूल आइसक्रीम में कनखजूरा निकलने का मामला, कंपनी ने जांच के लिए वापस मांगा आइसक्रीम का बॉक्स। जी हां, आपको बताने की नोएडा में अमूल आइसक्रीम में कनखजूरा निकलने के मामले में कंपनी का बयान सामने आया है। अमूल ने ग्राहक से वो आइसक्रीम का बॉक्स वापस मांगा है जिसमें कनखजूरा निकला था। नोएडा निवासी दीपा देवी ने 15 जून को अपने बच्चों के लिए ब्लिंकिट से ऑनलाइन आइसक्रीम ऑर्डर की थी। उन्होंने अमूल कंपनी के वेनिला मैजिक फ्लेवर आइसक्रीम 195 रुपए की मंगवाई थी। ऑर्डर आने के बाद जब उन्होंने उसे खोलकर देखा तो उसके अंदर कनखजूरा दिखाई दिया, जिसको लेकर उन्होंने तुरंत ट्विटर पे डालकर ब्लिंकिट से शिकायत की। आपको बताने कि इससे पहले एक मामला उंगली निकलने का था, जिसमें आइसक्रीम में से उंगली निकली थी, तो लगातार ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। हालांकि उस कंपनी का लाइसेंस अभी रद्द कर दिया गया है। क्या अमूल पर भी वही कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट जरूर करें। यूपी के मेडिकल कॉलेजों को मिले 2000 जूनियर डॉक्टर, पहली बार सेवा बॉन्ड के तहत तैनाती। जी हां, आपको बता दें कि चिकित्सा स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों को करीब 2000 नए जूनियर डॉक्टर मिल गए हैं। इन डॉक्टरों को सरकारी सेवा बॉन्ड के तहत तैनाती दी गई है। पहला मौका है जब प्रदेश में MBBS पूरी करने वालों को बॉन्ड के तहत मेडिकल कॉलेजों में भेजा गया है। हर मेडिकल कॉलेजों को 40 से 50 तक नए डॉक्टर 2 साल के लिए मिल गए हैं। किताबी ज्ञान के बाद अब इन डॉक्टरों को हर तरह के मरीजों के इलाज से व्यवहारिक ज्ञान भी मिल सकेगा। आपको बताने की डॉक्टरी ऐसा पेशा है जिसमें जबरदस्ती इन्हें सरकारी नौकरी लगवाई जाती है, करना भी नहीं चाहते। यूपी में नकली पुलिस बल छीना 2.25 करोड़ रुपए का सोना, शातिर अंदाज में फंसाया। जी हां, आपको बता दें कि आगरा में नकली पुलिस अधिकारियों ने जयपुर के सराफा कारोबारी के कर्मचारी से 2.25 करोड़ रुपए के सोने के जेवरात छीने थे। सोने का वजन लगभग 3 किलोग्राम था। शाहगंज थाने में मुकदमा दर्ज था। पुलिस को छानबीन में अहम सुराग मिले। कारोबारी के परिचित ने वारदात कराई थी। 2 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, अन्य की तलाश जारी है। 1 आरोपी ने सोना बेचकर प्लॉट भी खरीद लिया है।
यूपी के वाराणसी में 3 पावर ट्रांसफार्मर का ट्रायल रन पास। 15,000 उपभोक्ताओं को कटौती मुक्ति मिलेगी बिजली, 15 वर्ष तक नहीं बढ़ानी पड़ेगी क्षमता। जी हां, आपको बता दें कि वाराणसी में बिजली निगम द्वारा सिगरा उपकेंद्र की क्षमता वृद्धि का काम पूरा कर लिया गया है। पावर ट्रांसफार्मर और 9 फीडर ट्रायल रन परीक्षा में पास हो गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक 10 MVA का नया ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करने के बाद यहां कुल 3 पावर ट्रांसफार्मर से 9 फीडर बनाए गए हैं। इससे करीब 15,000 उपभोक्ताओं को कटौती मुक्त बिजली मिल सकेगी, जो कि करीबन 15 वर्ष तक कोई भी क्षमता बढ़ाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यूपी में 3,000 का हवाई टिकट, 3,350 की व्हीलचेयर सर्विस, लखनऊ एयरपोर्ट की सफाई प्रमाण सेवा शुल्क था। जी हां, आपको बता दें कि लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अमोसी एयरपोर्ट पर कथित तौर पर व्हीलचेयर सर्विस के लिए 3,350 रुपए की वसूली के आरोप पर मैनेजमेंट ने सफाई में कहा कि पैसा यात्री ने सहमति से प्रणाम सेवा के लिए दिया था। एयरपोर्ट प्रबंधन ने साफ किया कि व्हीलचेयर सुविधा एयरलाइन कंपनियां देती हैं। एयरपोर्ट प्रबंधन द्वारा प्रणाम सेवा के तहत प्रवेश द्वार से स्वागत करने के बाद सुरक्षा जांच जैसी प्रक्रिया पूरी करवाते हुए जहाज के गेट तक छोड़ने के लिए यात्री से एक निर्धारित शुल्क लिया जाता है। प्रणाम सेवा के तहत एक स्टाफ यात्री के साथ रहता है और सुविधाओं का ध्यान रखता है, इसीलिए इसके 3,350 रुपए लिए जाते हैं। दोस्तों, यूपी में मारपीट मामले में अधेड़ रात भर थाने में बैठाए रखा गया, सुबह चल गई जान, थाना प्रभारी समेत 2 सस्पेंड। दरअसल आपको बताने की पुलिस सुधरने का नाम नहीं ले रही है। योगी सरकार इतना समझा रही है लेकिन सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। यूपी की एटा में मारपीट में बतौर गवाह लाए गए अधेड़ को रात भर थाने में बैठाए रखा। सोमवार सुबह जब उसकी तबीयत खराब हुई और अस्पताल ले जाया गया तो वह चल बसा था। घटना से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। SSP ने कोतवाली प्रभारी निधौली कला मुंशी को सस्पेंड कर दिया। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि गर्मी के कारण यह घटना हुई है, हालांकि ये लोग तो झूठी मेडिकल रिपोर्ट भी बना सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 24 जून से 2 जुलाई तक होगी अग्निवीर भर्ती, पहले देना होगा यह टेस्ट। जी हां, आपको बताने की उत्तर प्रदेश के अयोध्या में अग्निवीर भर्ती रैली 24 जून से 2 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। प्रदेश के 13 जिलों की भर्ती रैली अयोध्या के डोगरा रेजिमेंटल सेंटर ग्राउंड पर होगी। यह रैली मुख्यालय भर्ती क्षेत्र लखनऊ द्वारा आयोजित की जा रही है। इस भर्ती रैली में पहले फिजिकल टेस्ट PFT होगा, जिसमें 1.6 किलोमीटर की दौड़, जिग जैग बैलेंस, 9 फुट रीच और बीम शामिल होगा। जो अभ्यर्थी PFT कर लेंगे वे शारीरिक माप परीक्षण PMT के लिए आगे बढ़ेंगे, जिसमें उम्मीदवारों की ऊंचाई, वजन और छाती के विस्तार को मापा जाएगा। फिर PMT पास करने वाले सभी अभ्यर्थी दस्तावेजों की जांच होगी। उत्तर प्रदेश में 20 सड़क यातायात सिपाही की गुंडई कार सवार पर बरसाए थप्पड़। जी हां, आपको बता दें कि 20 सड़क यातायात पुलिस के एक हेड कांस्टेबल द्वारा गुंडई करने का एक कार सवार को पीटने का वीडियो वायरल हुआ है। मामले की तुल पकड़ते ही आरोपित हेड कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया है और SCP यातायात को पूरे मामले की जाँच दी गयी है। कार सवार के आरोप है कि जाँच के नाम पर पुलिस कर्मी वसूली कर रहे थे, वीडियो बनाया तो पिटाई शुरू कर दी। वहीं पुलिस दोनों की कार टकराने का विवाद बता रही है। आपको बता दें कि 13 सेकंड का करीब बने वीडियो वायरल हुआ, जिसमें थप्पड़ पर थप्पड़ हेड कांस्टेबल जड़ रहा है। गोरखपुर में संघ प्रमुख के JP नड्डा पर दिए गए बयान को RSS ने बताया निराधार। दरअसल आपको बताने की सर संघचालक मोहन भागवत ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के संघ से जुड़े बयान को उनका व्यक्तिगत विचार बताया। उन्होंने कहा, हमारे देश में हर नागरिक को अपने विचार खुलकर रखने की स्वतंत्रता है, उनके बयान से संगठन का कोई सरोकार नहीं है। दरअसल आपको बताने की बीते दिनों भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने मीडिया को दिए साक्षात्कार के दौरान बयान दिया था कि पार्टी तेजी से आगे बढ़ रही है, अब वो स्थिति में पहुंच गई है कि उसे संघ की जरूरत नहीं है, अब भाजपा अपने दम पर हर कार्य करने में सक्षम है। आयकर विभाग की छापेमारी में पकड़े करोड़ों की बरामदगी का मांग रहे हिसाब, ये लोग हैं रडार पर। जी हां, देश भर में आयकर विभाग के छापों में मिले लाखों करोड़ों रुपए दबाने वाले अब रडार पे हैं। इनमें बिल्डर, ज्वेलर्स और सफेद पोश भी हैं। फिलहाल नोटिस भेजकर रकम का ब्यौरा मांगा गया है। विभाग की सख्ती से यूपी ही नहीं बल्कि कई राज्यों में खलबली है। आयकर सूत्रों के अनुसार देश के अलग अलग राज्य व शहर में 3 साल के दौरान कई जगहों पर छापेमारी की गई। इनमें से बिल्डर, ज्वेलर समेत कई बड़े कारोबारी भी जद में आए। छापे के दौरान अफसरों ने बड़ी संख्या में नकदी भी बरामद की। जांच के दौरान रकम देने वालों के नामों का भी खुलासा हुआ तो विभाग ने उनसे कमाई का जरिया बताने के लिए कहा है। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड और मध्य यूपी में गर्मी और लू का कहर, 24 घंटे के अंदर 91 लू चल बसे, जानिए कब से होगी बारिश। जी हां, आपको बताने की प्रचंड गर्मी ने सोमवार को भी जमकर कहर बरपाया। मध्य यूपी और बुंदेलखंड में 24 घंटे के भीतर 91 लू के चल बसने खबर आई। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अभी गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा, 19 जून के बाद बारिश की संभावना है। बारिश के बाद ही लोगों को चैन मिलेगा। और दोस्तों, मानसून प्रवेश करेगा तो कई दिनों तक लगातार बारिश होगी। पूरी अप्डेट देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करने का निशान दबा ले। प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए, इसका कोई पैसा नहीं लगता, बस 1 सेकंड लगेगा।